हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज जो मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ उसमें मैं कुछ कंपैरिजन का फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें मैंने सिलेक्ट किया है एलडी कॉलेज, धर्मसिंह जी देसाई यूनिवर्सिटी, बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय और महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। अब ये चारों की चारों एक ही लाइन में आती है, सेम लेवल की कॉलेज है, काफी सारी सिमिलैरिटीज है, तो इनमें से क्या सिलेक्ट करना चाहिए, अब ये हम देखने के लिए ही मैंने आज का ये वीडियो कवर किया है, वीडियो मैंने क्रिएट किया है। तो देखिये, अब यहाँ पे मैं आपको पहले आंसर प्रोवाइड कर दूं कि ऑल आर द सेम लेवल कॉलेज, यानी कि सारी कॉलेज एक ही लेवल पे आती है। ऑल आर हैविंग लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन देम, इनमें से सारी कॉलेज में से काफी कम ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंस में मेजोरिटी में क्या है, सेपरेट यूनिवर्सिटी है, यानी कि चारों की अपनी सेपरेट यूनिवर्सिटी है। अगर हम एलडी की बात करें तो ये आती है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, धर्मसिंह जी देसाई यूनिवर्सिटी अब ये अपनी खुद की यूनिवर्सिटी है। बीबीएम की बात करें तो ये आती है बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय यूनिवर्सिटी के अंदर, और यहाँ पे एमएसयू की बात करें तो ये भी अपने आप में ही एक यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे चारों की यूनिवर्सिटी डिफरेंस है। दूसरी बात कि यहाँ पे सेपरेट कोर्स, करिकुलम एंड सिलेबस। अब ये लाइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी का अपना डिफरेंट कोर्स रहता है, सिलेबस डिफरेंट रहता है और सब्जेक्ट डिफरेंट रहते हैं। यानी कि एलडी में सेमेस्टर वन में जो सिलेबस रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा डीडीयू के अंदर, बीबीएम के अंदर और एमएसयू के अंदर। यानी कि कोर्स में डिफरेंस रहता है, सब्जेक्ट सिमिलर ही होते हैं। यानी कि मैं छोटा सा आपको एग्जांपल समझा दूं कि एलडी के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर नाम का सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा, तो डीडीयू में हो सकता है कि ये आपको सेकंड सेमेस्टर में आए, बीबीएम में हो सकता है कि यानी आपको ये थर्ड सेमेस्टर में आए, और एमएससी में हो सकता है कि ये पहले सेमेस्टर में ही हो। तो इतने छोटे छोटे चेंजेस रहते हैं। लास्ट में होती है कि सेपरेट एग्जाम मेथड एंड पैटर्न। अब यहाँ पे जीटीयू की जो एग्जाम की पैटर्न होती है वो एमएससी से डिफरेंट होगी, एमएससी की एग्जाम की पैटर्न डीडीयू से डिफरेंट होगी। तो इस तरह से ऐसे छोटे छोटे चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बट एट द एंड 4 साल के बाद प्लेसमेंट के टाइम सभी की सभी कॉलेज एक सेम लेवल पे आके ही रुकती है। 67-70% प्लेसमेंट यहाँ पे सिमिलर ही होते हैं, कंपनीज भी सिमिलर होती है। अब यहाँ पे मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा कि किस तरह से कंपनी है वो कैंडिडेट सिलेक्ट करती है। अब ये लास्ट की दो लाइन में बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले यहाँ पे मैं आपको ऊपर की दो लाइन समझा देता हूँ। देखिए, 67-70% प्लेसमेंट सेम रहता है, इसका मतलब क्या रहता है कि जो भी कंपनीज रहती है वो एक कैंपस में आती है, वो दूसरे में जाती है, तीसरे में जाती है और चौथे में जाती है। अब ये होता है सिमिलैरिटीज। अब यहाँ पे होती है सेम पैटर्न, बट यहाँ पे जो मैंने दूसरे परसेंटेज यहाँ पे कवर नहीं किए वो अराउंड होते हैं 30%। 30% प्लेसमेंट में यहाँ पे आपको चेंजेस मिलते हैं। डीडीयू के अंदर काफी बड़ी बड़ी एमएनसीज आती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, ऐसे कॉलेज डीडीयू के अंदर आती है, जबकि ये सारी कॉलेज एलडी और एमएससी में नहीं आती है। तो इस तरह से 30% यहाँ पे प्लेसमेंट में चेंजेस रहता है, बाकी का 67-70% प्लेसमेंट यहाँ पे सेम ही रहता है। बट यहाँ पे अब आप 30% कंपनीज की बात करो तो फिर यहाँ पे आपको काफी सारा रिसर्च करना होगा और उसके बाद कोई एक कैंपस सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आपको सारी कॉमन कंपनीज में जाना है तो फिर आप इनमें से कोई भी कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं हम लास्ट की दो लाइन पे। अब यहाँ पे मैं आपको सिनेरियो बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं लास्ट ईयर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कैंपस प्लेसमेंट में ही बैठा था, तो इसमें होता क्या था, ठीक है, यहाँ पे मैं कंपनी ए नाम लेके बुलाऊंगा, ठीक है, कंपनी ए, मैं जो कंपनी आई थी उसका रियल नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। अब ये जो कंपनी ए है उसने क्या किया, ये थी बेंगलोर बेस्ड आईटी कंपनी, अपना खुद का स्टार्टअप था। अब स्टार्टअप काफी लगभग 6 साल हो चुके थे, स्टार्टअप काफी बड़ा हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये हमारे कैंपस में आई थी, यानी कि इन ये जो कंपनी ए है उन लोगों ने एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में से 6 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। अब ये स्टूडेंट्स का कैंपस सिलेक्शन हो गया, उसके बाद ये जो कंपनी थी वो चली गई एमएसयू के अंदर। एमएसयू के अंदर इस कंपनी ने 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था, यानी कि एलडी में से 6, एमएसयू में से 4। उसके बाद ये कंपनी गई थी डीडीयू के अंदर, और डीडीयू के अंदर से ये कंपनी ने 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था, यानी कि 10 स्टूडेंट्स को इसका सिलेक्शन हुआ था डीडीयू में से। और बीबीएम में ये कंपनी नहीं गई थी, ये कंपनी के अपने अपने ऊपर होता है कि कौन सी कैंपस विजिट करे और कौन से कैंपस विजिट ना करे। यानी कि आप कोई भी कॉलेज में से स्टडी करो, एट द एंड कंपनी में मोस्टली यहाँ पे मैंने लिखा है कि 67-70% का तो सिनेरियो यही रहता है कि सबसे पहले वो एलडी में से कुछ सिलेक्शन करेंगे, एमएसयू में से कुछ सिलेक्शन करेंगे और डीडीयू BVM, ऐसे कोई कॉलेज में से सिलेक्शन करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, आपकी स्किल सेट कैसे, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ये नहीं देखेंगे कि आप LD में से हो कि DDU में से, क्योंकि दोनों में से तो कैंपस सिलेक्शन होना ही है और कंपनी भी तो सेम ही है ना।
तो यहाँ पे मैटर क्या करेगा कि यहाँ पे मैटर करेगा आपका स्किल सेट। तो आई होप कि यहाँ पे मैंने जो आपको सिनेरियो समझाया है वो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर आपके ऊपर है कि आपको कौन सी कंपनीज में जाना है। अगर आपको बड़ी बड़ी एमएनसीज में जाना है तो फिर आपको DDU सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको नॉर्मल 6 से 8 लाख वाली कंपनीज में जाना है तो फिर आप कोई भी कैंपस सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग वीडियो देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।